सो फ्रेंड, आज हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। सो उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जानेंगे आप इस तरह की जो ट्रेंडिंग लिरिक स्टेटस वीडियो कैसे आप मोबाइल में बना सकते हैं, जो कि पिक्सेल ऐप और काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूज करके बहुत आसानी से। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना। इस तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके साथ आपको दो फॉन्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो फॉन्ट को आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सेल ऐप में दो फॉन्ट को आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको इधर से जो कि लिरिक्स आपको लिखना है, तो फॉन्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सेल ऐप में ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। 3 डॉट में जाकर आपको जो इमेज साइज है आपको इधर से विथ 1200 से हाइट 1200 से रखना है। उसके बाद ओके के ऊपर टैप करना है। उसके बाद जो न्यू टेक्स्ट है उसके ऊपर डबल टैप करना है। उसके बाद जो सॉन्ग में आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं, जो भी आपका पहला लिरिक्स है, आपको इस तरह लिख लेना है। आपका जो पहला लेटर है उसको आपको कैपिटल रखना है, बाकी आपको स्मॉल रखना है। इस तरह आपको लिरिक्स को लिख लेना है। उसके बाद ओके के ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको फॉन्ट में जाना है। जाने के बाद जो फॉन्ट आपने अभी ऐड किया था वो आपको माई फॉन्ट में जाके शो करेगा लास्ट में। वो फॉन्ट को आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला फॉन्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको डाउनलोड कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इस तरह थोड़ा सा आपको बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं इधर से हमारा जो कि लेटर है, मैं इधर से स्पेस अगर बैक करूँगा तो देख सकते हैं तो हमारा लेटर थोड़ा इधर से कट जाता है। तो अगर इस तरह आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि देख सकते हैं इधर से थोड़ा कट जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको इधर से स्पेस दे देना है। दो स्पेस या एक स्पेस दे के देखेंगे तो देख सकते हैं हमारा पूरा इधर से एज का जो लाइन है पूरा आ गया। तो इस तरह आपको स्पेस दे देना है अगर कुछ लाइन आपको कट जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह आपको बड़ा कर लेना है। उसके बाद आपको रिलेटिव पोजिशन में जाके आपको 2 नंबर के एक बार 5 नंबर के एक बार क्लिक करेंगे तो पूरा बीच में आपको ये सेट हो जाएगा। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है। जो न्यू टेक्स्ट है उसमें आपको जो लिखा है उसको काट के इधर से आपको कैपिटल एफ लिख लेना है। तो इस तरह लिखने के बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से फॉन्ट में जाएंगे, जो सेकेंड फॉन्ट आपको ऐड किए थे वो आपको एंड में शो करेगा जिसका लीफ फॉन्ट है, तो उसको आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट साइज में जाना है। साइज में जाकर थोड़ा आपको इसको इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपको इसको रोटेट कर लेना है। इस तरह रोटेट करने के बाद आप देख सकते हैं इसको आपको ये जो डी है आपका जो भी लेटर आपका पहला होगा उसके ऊपर आपको इस तरह अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं इस कितना अच्छा लगा। आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरह करने के बाद आपको जो डी है उसके ऊपर आपको सेट कर लेना है। फिर से उसके ऊपर क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद उसको नीचे लेके उसको रोटेट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा जो कि एज का एक लाइन आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। जो भी आपका लास्ट में लेटर होगा उसके ऊपर इस तरह सेट करना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा लेटर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन में जाके कॉलर में जाके आपको इधर से ब्लैक कलर बैकग्राउंड जो है ब्लैक सेलेक्ट करना है। उसको ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो कि गोल्डन कलर देंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करना है। तीनों को आपको इधर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद थर्ड नंबर जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर लेना है। तो देख सकते हैं यह हमारा पूरा जो दो टेक्स्ट फॉन्ट है ऐड हो गया पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाला ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद इधर से आपको एक ऑप्शन शो करेगा देख सकते हैं जो कि टेक्स्चर, तो टेक्स्चर ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो इमेज है उसके ऊपर टैप करना है। आपको एक गोल्डन इमेज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आपको एक इमेज मिल जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो कलर पूरा गोल्डन हो गया, तो इस तरह हो गया। उसके बाद फिर से आपको एक बार टैप करने के बाद आपको रिलेटिव पोजीशन में जाके 2 नंबर 5 नंबर एक बार टैप करेंगे तो पूरा बीच में आपको ये सेट हो जाएगा। उसके बाद ओके कर लेना है। सेव इमेज में जाके सेव एज इमेज कस्टम में जाके उसको अल्ट्रा में सेव टू गैलरी कर लेना है। तो इस तरह सेव हो गया। फिर से आपको इधर से डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद फिर से आपको टेक्स्ट में जाना है। फिर से आपको जो सेकंड लिरिक्स है आपको इधर से लिख लेना है। तो फिलहाल मेरा सेकंड लिरिक्स है, मैं लिख लेता हूँ। सो फ्रेंड, देख सकते हैं मैं सेकंड लिरिक्स लिख लिया। जो आपने पहले लिरिक्स में जो भी आपको प्रोसेस किया था आपको सेम प्रोसेस इस तरह कर लेना है। फिर से फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट को आपको इधर से सिलेक्ट करना है। उसको थोड़ा सा आपको इस तरह बड़ा कर लेना है। तो देख सकते हैं इधर से हमारा थोड़ा कट जाता है। पहले से भी आपको एक स्पेस दे देना है, 2 स्पेस दे देना है, और एंड में भी आपको इधर से 2 स्पेस दे देना है। तो मैं इधर से 2 स्पेस दे देता हूँ जो कि हमारा टेक्स्ट पूरा फुल आ जाएगा। तो देख सकते हैं फिर भी एक स्पेस बाकी हो गया। तो देख सकते हैं हमारा जो लेटर पूरा फुल इधर आ गया। उसके बाद उसको थोड़ा सा आपको इस तरह बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको फिर से आपको सेम प्रोसेस जो कि रिलेटिव पोजिशन में जाना है। 2 नंबर 5 नंबर टैप करेंगे तो इस तरह बीच में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको टेक्स्ट में जाके आपको इधर से जो न्यू टेक्स्ट में उसको काट के आपको इधर से कैपिटल एफ लिख लेना है। लिखने के बाद ओके करना है। फिर से आपको फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद
फिर से माई फॉन्ट में जाने के बाद वो लीफ फॉन्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट साइज में जाना है। टेक्स्ट साइज में जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको आपको इंक्रीज कर लेना है इस तरह। उसके बाद उसको थोड़ा रोटेट आपको इस तरह कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं जो सी है उसके ऊपर देख सकते हैं एक ऊपर में, उसको अच्छी तरह से इस तरह सिलेक्ट कर लेना है, जो कि एडजस्ट कर लेना है आपको इस तरह। तो जो भी आपका लेटर होगा आपको उसको ऊपर में अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से उसको एक बार टैप करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको लास्ट में जो एम का जो लाइन आ रहा है देख सकते हैं, उसके ऊपर आपको इस तरह अच्छी तरह से बीच में आपको उसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह देख सकते हैं एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ये वाला ऑप्शन में जाना है, उसको सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक करके उसको आपको अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसको ओके के ऊपर टैप कर लेना है मर्ज करके, तो इस तरह देख सकते हैं मर्ज हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर से आपको जाना है टेक्सचर में, इमेज में जाना है, जो गोल्डन इमेज है उसको आपको फिर से इधर से ऐड कर लेना है। तो फिलहाल मैं इधर से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपको इधर से ओके के ऊपर टैप करना है, तो देख सकते हैं हमारे जो इसमें गोल्डन कलर आ गया। फिर से ओके के ऊपर टैप करना है, फिर से रिलेटिव पोजीशन में जाके 2 नंबर 5 नंबर क्लिक करेंगे तो पूरा बीच में आपको सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से सेव एज इमेज जाके कस्टम में जाके अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी। तो इस तरह करके जितना आपका लिरिक्स है पूरा लिख लेना है एक एक करके। तो फिलहाल मैं फटाफट से पूरा जो लिरिक्स है लिख लेता हूँ। सो उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल में आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्लस आइकन में जाके आपको 1.1 रेशियो को इधर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिक्सेल लाइव फोल्डर में जाना है, जो सॉन्ग अभी अपने लिरिक्स लिखा था आपको एक एक करके इधर से ऐड कर लेना है। तो फिलहाल मैं इधर से ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, देख सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, इमेज के ऊपर टैप करना है, आपको पैन एंड जूम में जाना है, उसको आपको इस तरह बीच में अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको इजिकल टू के ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपको सेकंड इमेज में जाना है, पैन एंड जूम में जाना है, इसको थोड़ा सा आपको स्क्रीन को जो आपका टेक्स्ट है इस तरह आपको पूरा अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इजिकल टू के ऊपर क्लिक करना है। फिर से थर्ड में जाना है, पैन एंड जूम में जाना है, फिर से आपको फिंगर में इस तरह अच्छी तरह से एडजस्ट करके इजिकल टू के ऊपर क्लिक, इस तरह करके जितने भी आपका लिरिक्स है एक एक करके पूरा आपको अच्छी तरह से उसको एडजस्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं फटाफट से पूरा सभी लिरिक्स को कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, इस तरह आपको लिरिक्स को सेट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है, ऑडियो में जाना है, सॉन्ग में आपको जाना है, जो सॉन्ग में आप स्टार्टर्स वीडियो बनाना चाहते हो सॉन्ग को आपको इधर से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद देख सकते हैं इस तरह सॉन्ग आपको कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको देख सकते हैं इधर से आप एक ऑप्शन है फास्ट जो लिरिक्स है उसके ऊपर एक बार टैप करना है। उसके बाद आपको देख सकते हैं इधर एक इफेक्ट है क्लिप ग्राफिक्स, उसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इफेक्ट को आपको डाउनलोड करना है। तो देख सकते हैं जो इफेक्ट का नाम है फोटो स्प्रेड। तो इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको इधर से गेट मोर में जाना है, आपको स्टोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको मॉडर्न क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद आपको उधर से मॉडर्न एंड सिंपल एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर टैप करने के बाद आपको ये वाला इफेक्ट शो करेगा, आपको उधर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इधर से आपको शो करेगा, उसके बाद उसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो थर्ड नंबर है उसके ऊपर टैप करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह कुछ इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो देख सकते हैं हमारा कितना अच्छे से जो कि तैयार हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टाइटल टेक्स्ट इधर 2 बार लिखा है तो एक पहले के ऊपर क्या क्लिक करने के बाद आपको उसको एक स्पेस दे देना है, ओके करना है। सेकंड टाइटल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्पेस देके ओके कर लेना है। तो देख सकते हैं जो हमारा जो टेक्स्ट है वो कट जाएगा। तो देख सकते हैं मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं हमारा पूरा कट गया, अभी पूरा जो हमारा लिरिक्स है वो आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको एडजस्ट करना है। तो पहले आपको गाने सुन लेना है कि आपका गाना कितना सेकंड तक है। तो मेरा जो गाना इधर से ख़त्म होता है तो उसको इस तरह छोटा करेंगे, अगर आपका गाना थोड़ा पहला लिरिक्स बड़ा है तो इस तरह बड़ा कर लेना है। तो मैं इसका छोटा कर लेता हूँ। फिर से आपको सेकंड में जाना है, उसके ऊपर टैप करना है, क्लिक ग्राफिक्स में जाना है, फिर से आपको इधर से 4th नंबर है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह आपको कुछ इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं जो टेक्स्ट आ रहा है उसको भी आपको काटने के लिए एक बार आपको स्पेस दबा देना है, फिर से सेकंड में जाके फिर से एक बार आपको इधर से स्पेस दे देना है। तो देख सकते हैं हमारा वो भी टेक्स्ट जो है वो भी कट गया है, देख सकते हैं। उसके बाद उसको एडजस्ट करने के लिए फिर से सेकंड लिरिक्स आपका कितना है उतना हिसाब से आपको इधर से रख लेना है। फिर से आपको क्या करना है, थर्ड में जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिप ग्राफिक्स में जाना है, फोटो स्प्रेड में जाना है, इधर से आपको 4th नंबर जो भी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह करके आप एक एक करके पूरा जो लिरिक्स है आपको इधर से लिख लेना है। तो फिलहाल मैं फटाफट से पूरा इफेक्ट देके इधर से लिख लेता हूँ। आप सभी इफेक्ट एक एक बार दे सकते हैं। तो इस तरह आपको नीचे वाला एंडिंग और एंडिंग टू ये वाला इफेक्ट भी आप अपने मर्जी से जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो फिलहाल इस तरह करके आपको एक इफेक्ट देना है, उसके बाद गाने को सुन लेना है। छोटा होगा तो इस तरह छोटा करना है, बड़ा होगा तो आपको लिरिक्स उसको बड़ा कर लेना है।
तो फटाफट से मैं पूरा कर लेता हूँ। सो फ्रेंड देख सकते हैं पूरा जो लिरिक्स मैं लिख लिया, तो आपको प्ले करके मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा जो कि लिरिक्स आ गया, उसके बाद इफेक्ट भी अच्छी तरह से लग गया, तो कितना अच्छा देख सकते हैं हमारा जो कि वीडियो भी लग रहा है। तो आपका वीडियो अभी इस तरह रेडी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को सेव करने के लिए आपको इधर से शेयर ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको इधर से फ्रेम रेट फुल HD में 30 फ्रेम रेट नहीं तो 60 फ्रेम रेट में वीडियो को आपको इधर से एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद वीडियो आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड ये थी आज की इस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर लेना। इस तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।